तुम्हारे बाथरूम में कोई भी नल या शावर ऑन किया तो ना ब्रर कर। लाइफ इज अ वाइंडिंग रोड, नो टेलिंग वेयर इट गोस। आकाश की मां आकाश को मतलब मारती है क्या? डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर एक चीज लगता है कि अगर आप यहाँ पे बच्चों को लेके आ गए, अगर मेरी माँ के सामने ऐसा कुछ बोले तो मेरी माँ बोल इसको कैसे आता है ये सब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज सुबह ही मैं एकदम नहा कर रेडी हो गई, क्योंकि थोड़ी देर के बाद है ना नहाना भी पॉसिबल नहीं है। आवाज़ सुन रहे हैं ना, सो सबमिशन है, मीटिंग है, मैं डिटेल में नहीं बता दूंगी, शुरू हो जाएगा। उसके बाद नहाने के लिए गया तो है ना, हमारे बाथरूम में कोई भी नल या शावर ऑन किया तो है ना ब्र करके पूरा घर में आवाज़ आएगा, फिर उसको डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले नहा लेते हैं। अभी हमारे घर का हालत आप लोग देख लिया तो ना डर जाएंगे, क्योंकि सुबह मैं डेली साफ करती हूँ, लेकिन उसके बाद शाम को बच्चे लोग सब लोग मिलकर थोड़ा घर गंदा करते हैं ना। मैं कल क्लीन नहीं कर पाई, क्योंकि कल संतोष रात को ना 3 बजे तक उसका काम चल रहे थे, मैं भी नहीं सोई, मैं भी एक 2:15 तक मैं भी इधर बैठी रही। पहले घर दिखा देती हूँ। सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं। कल थोड़ा सामान लेकर आया था, वो सब इधर ऐसे कि वैसे ही पड़ा है, और ये देख लो, और कितनी बार पानी पिया, चाय पिया रात को, उसका भी सबूत है इधर। और इधर भी देखो, इधर भी थोड़ी बहुत सामान है, और किचन का हालत तो मुझे शर्म आ रहा है। सुबह दूध आ गया, वो भी मैंने क्लीन नहीं किया। बर्तन देखो, ये कुछ क्लीन नहीं किया, देखा कुछ क्लीन नहीं किया। और ये नीचे कपड़ा देख रहे हैं ना, क्योंकि डिशवाशर कल ऑन किया, थोड़ी देर के बाद देखा पूरा किचन में पानी, फिर बेडशीट डालकर तो वो सुखा रहे थे, क्योंकि एक बार डिशवाशर ऑन किया तो फिर बीच में बंद नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए अभी आज भी देख रहे हैं ऑन करकर, अगर ऐसा फिर से हो गया तो किसी को बुलाना पड़ेगा। स्किन केयर रूटीन के कुछ बारे में ग्लो इन द स्किन कॉल के बीच में भी है ना, मेरा मजाक उठाने के लिए है। स्किन केयर नहीं, आपके काम की वजह से हमारा घर का क्या हो गया, पूरा अंदर हो गया। हमारा घर का हालत के बारे में बोल रहे, बहुत खराब है। कल 3 बजे संतोष हो गया, मैं भी इधर एक इधर हीटर के उधर मैं भी बैठ के मुझे बोला कोई डिस्टर्बेंस चाहिए, क्योंकि उधर ना कुछ काम करने के लिए। अभी 11 बज गया, संतोष का मीटिंग भी स्टार्ट हो गया, खुशी का भी अभी स्टार्ट होगा। आज खुशी को है ना एकदम उसका हेड टीचर के जैसा कॉस्ट्यूम पहनकर जाना है, उसका क्लास टीचर का आइडिया है। आज टीचर्स बच्चे लोग सब है ना हेड टीचर का जैसा कॉस्ट्यूम पहनेंगे। I look like Jera. I don't want to be him. It's so bad. His hair is like a bush. I look like a boy now. I look like a nurse. How may I help you? Do you want your injection? Fly like a bird. Oh yes, give me a stick. Fancy, fancy. What? This is Chirag. Yeah, this is Achas. Abhi, head teacher ko moochhe bhi hai. I want to stay very far from the camera so that they don't notice me. अभी लास्ट में ग्लासेस,
they're not real glasses, they're just fake. हाँ, plastic. और glass नहीं है. This is plastic glass. Wow, खुशी. This is quite a surreal experience. I am exceptionally proud of all. आज लास्ट है, कल सर टर्म ब्रेक स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए ऐसा कॉस्ट्यूम पहनकर आने के लिए बोला है टीचर को थोड़ा खुश कराने के लिए. ये लोग बीच बीच में ऐसा है कुछ फन एक्टिविटीज लेकर रहे थे ना, इसलिए बच्चे लोग को भी है ना बोर नहीं होता है. खुशी का क्लास फिनिश हो गया और अभी मैं लंच का तैयारी कर रहा है. लास्ट वीडियो में मैंने मूंग दाल भिगो कर रखा था ना, उसी से अभी डोसा बनाने जा रहे हैं. एक कप मूंग दाल लिया है, ये ऑलरेडी सोक कर रखा था और उसमें अभी एक हाफ कप ओट्स डाल रहे हैं. इज दिस अ ड्रिंक? नो, डोसा बना रहे हैं. डोसा मम्मी डोसा. भी थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं. आप लोग चाहिए तो जिंजर, ग्रीन चिल्ली, करी लीव्स, कोरिएंडर लीव्स वो सब डाल सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं डाल रहे. सिंपल सा डोसा बनाने जा रहे. डोसा बैटर रेडी हो गया. अभी इसमें थोड़ा सॉल्ट डालकर अच्छे से मिक्स कर कर डोसा बनाना शुरू कर लेते हैं. और इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा घी या ऑयल. एक साइड रेडी हो गया, डोसा रेडी हो गया. संतोष का मीटिंग खत्म हो गया, अभी 5-10 मिनट का ब्रेक है. उसमें मैंने बोला आप लोगों का कोई सवाल का जवाब देने के लिए बोला है. बताओ क्वेश्चन बताओ. एक याद है, ABCD फैमिली ने पूछा है, इधर बच्चे लोगों को बड़ा मतलब बच्चे लोगों को लेकर है तो क्या डिसएडवांटेज है? हमेशा हम लोग अच्छा ही बोलते हैं. डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर एक चीज लगता है कि अगर आप यहाँ पे बच्चों को लेके आ गए तो आपका जो फैमिली बैक जो नेटवर्क होता है ना वो यहाँ पे नहीं मिलता है. तो जैसे इंडिया में क्या है, आप छुट्टी पे चले गए, आपके पेरेंट्स हो गए या यू नो इवन नाना नानी दादा दादी सब जो पूरा एक्सटेंडेड फैमिली है सब परिवार वगैरह मिलते हो. और आजू बाजू में जो आप देखते हो इवन फ्रेंड सर्कल में भी जो होता है सोशल नेटवर्क में, उसमें क्या होता है कि यू लर्न, योर किड्स लर्न सो मच अबाउट कल्चर. आपका जो खुद का कल्चर होता है, मतलब जैसे हम लोग केरल से हैं तो हमारा खुद का जो कल्चर है उसको सिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली बच्चे सीख जाते हैं. तो वो सब जो है यहाँ पे आपको मिसिंग होता है. तो वो आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट मिलता है कि आपको जहाँ तक है इंडियन कल्चर बताना हो या आपका खुद का रीजनल कल्चर बताना हो ये, और ये जहाँ से मतलब हम लोग कैसे करते हैं जैसे रिस्पेक्ट करना एल्डर का या जो भी मतलब चीज़ें होती है जो हम लोग सीखते हैं बचपन से, जो हमारा कल्चर रहा है उसको जो है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है पूरा, कि आप अपने बच्चों को सब समझाओ. और वो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी. दूसरा है कि यहाँ पे जब टीचर्स लोग जो है वो बहुत बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट नहीं है. मतलब अगर मतलब जैसे बच्चे प्राइमरी स्कूल तो फिर भी ठीक है, सेकेंडरी स्कूल में बच्चे चले जाते हैं तो अगर कुछ हुआ बच्चे बदमाशी कर रहे हैं या वगैरह होता है तो मतलब उनको डिटेंशन मिलता है. डिटेंशन मतलब क्या है कि स्कूल के बाद में एक्स्ट्रा 10-15 मिनट या आधा घंटा वहाँ पे स्कूल में बिठा देते हैं, पढ़ाते हैं, उनको रीड करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है, मतलब दैट्स उतना ही ज्यादा से ज्यादा उतना पनिशमेंट है. तो क्या होता है कि मतलब थोड़ा लीनियंसी है उस तरीके से, मेरे को लगता है कि वो एक थोड़ा डिसएडवांटेज है कि कई बार बच्चे टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं कि हाँ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बातें कर रहे हैं क्लास में तो बातें कर रहे हैं, तो मतलब उनका आदत छूटता नहीं है. तो ये एक मेरे को लगता है कि डिसएडवांटेज है कि स्ट्रिक्टनेस थोड़ा और कर सकते हैं. जैसे कि इधर है ना सबको बड़े लोग को है ना नाम से बोलते हैं, अभी चुंग से अपने टीचर को मिस्टर रे मतलब ऐसा नाम से बोलते हैं, सर ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं. वो तो ठीक है, नहीं मैं बता रहे थे. तीसरा है कल्चरल डिफरेंस, बहुत बहुत बड़ा है. क्योंकि अगर इंडियन मेंटालिटी लेकर इधर आ गया तो है ना आप लोगों को एक बहुत शॉक लगेगा, हो सकता है. क्योंकि 13 ईयर्स में 13-14 एज ग्रुप में आप लोगों को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना सकते हैं. लड़की है तो लड़के को आकर पेरेंट्स को मिलवाना मतलब वो सब बहुत जल्दी होता है. यहाँ के कल्चर के हिसाब से वो सब नेचुरल है, नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है, और जो कि मतलब बहुत डिफरेंट है हमारे कल्चर के हिसाब से. तो हाँ. अगर ये बात बिल्कुल सही बोली है, और ये पॉइंट और ज्यादा हो जाएगा अगर आपका बच्चा शुरू से ही यहीं पे बड़ा हो रहा हो. क्योंकि वो अगर यहीं से बड़ा हो गया तो क्या होता है कि वो यहाँ का कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चे, तो उसके बाद में अगर ऐसा हो सकता है मतलब चांसेस आर हायर कि अगर ऐसा हो. लेकिन थैंकफुली चुंगसी का दोस्त में चुंगसी का दोस्त लोग को भी अभी
तक नहीं, सब बच्चा जैसा है अभी तक हम ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। नहीं हम लोग आ गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में इधर जल्दी है ना, सेक्स एजुकेशन बहुत जल्दी होता है ना, प्राइमरी में भी होता है, हाई स्कूल में भी होता है। प्राइमरी स्कूल में एंड में, एंड ऑफ प्राइमरी स्कूल में शुरू कर देते हैं। चुम्सी का मेरे को याद है शायद ईयर 5 एंड में शुरू किया था। हाँ। ईयर 5 ईयर 6 में मतलब उसको पूरा प्रॉपर क्लास था, मतलब उनका सब एज ए सब्जेक्ट। पहले पेरेंट्स को बुलाते हैं, मतलब हम लोग ऐसे बैचलर को सिखाने जा रहे हैं ऐसे बोलते हैं, लेकिन फिर हाई स्कूल में जाने के बाद थोड़ा ज्यादा सिखाते हैं। मतलब पहले भी पेरेंट्स लोग को उन लोग सीडी भेजते हैं, मतलब हम लोग ये सिखाने जा रहे हैं ऐसे कर कर। लेकिन जरूरी है, वो मैं बुराई नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसी वजह से है ना, लड़के लोग कभी भी लड़की लोगों को या लड़की लोग लड़के को एक अजीब सा मतलब हो, ये लड़की है उसका मतलब ऐसा है ऐसा है, गलत नजर से नहीं देखते हैं उसकी वजह से। और लेकिन अभी मैं बोलती हूँ मेरी माँ को, चूंकि से बहुत कुछ चीज जानते हैं ना, अगर मेरी माँ के सामने ऐसा कुछ बोली तो मेरी माँ बोलती इसको कैसे आता है ये सब, तुम ये सब बच्चे के सामने बोलते। मैं बोलती ऐसा हम लोग बोलने की जरूरत नहीं है स्कूल से, इसको सब कुछ मारे में। मतलब मेरी माँ के सामने मुझे शौक मिला है ऐसा, मतलब ना माँ कभी कभी डांट लेते हैं लेकिन हम लोगों को अच्छा लगता है। हाँ हम लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं है, पहले से बच्चे लोग सब करेक्ट। हाँ वो अच्छा चीज है एक्चुअली। हाँ और आप लोग बता ना हमारे, हाँ, मतलब और भी जने हैं जो मतलब यूके है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जो बहुत जने रहते हैं ना, प्लीज कमेंट में करके बताना आप लोगों को क्या लगा कि और ऐसे डिफरेंसेस, मतलब कल्चरल डिफरेंसेस बोल लो या जो नेगेटिव्स हैं या पॉजिटिव्स हैं, जो भी है बताना आप। अनिल त्रिवेदी ने पूछा है, इज इट प्रॉब्लमैटिक टू हैंडल किड्स इन वेस्टर्न कंट्रीज एज यू कांट स्कोल्ड और हिट देम, दे नो दैट दे कैन रिपोर्ट पेरेंट्स टू सोशल सिक्योरिटीज। ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे आप बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते हो, मतलब अगर जब तक आप उठा सकते हो, बच्चे अगर जाके बोल दिया स्कूल में तो स्कूल में कॉल, स्कूल से कॉल आ जाएगा भैया क्या हो रहा है भाई। तो ये नेचुरल है, मतलब ये बहुत सारे पेरेंट्स के साथ होता है जो एशियन पेरेंट्स हैं जो यहाँ आते हैं, क्योंकि हम लोग का बाय डिफॉल्ट नेचर में रहता है कि मतलब बच्चा दो बार नहीं सुना तो तीसरा लगा हुआ एकदम। हमारे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था बहुत पहले, चुंसी को जब से मतलब स्कूल जाना शुरू किया नर्सरी से, मैं हमेशा बोलती हूँ तुम मैंने बड़ों का बहुत रेस्पेक्ट करना, कभी भी टीचर्स का बिना रेस्पेक्ट से बात नहीं करना, ऐसे मतलब दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं करना, झूठ बोलना, ऐसा कुछ रूल्स मैंने बना दिया था। मार्क्स है ना कम लेकर आ गया तो भी हम लोग कुछ नहीं बोलते, ऐसे कोई डांटते नहीं कि मार्क्स क्यों कमाया करके, वो कभी नहीं होता है, डांटना केवल दूसरे चीजों पे होता है। एक बार क्या हुआ था, चुंसी एक बच्चे के साथ झगड़ा किया, मारपीट किया और ये टीचर का कॉल आ गया, उनका कंप्लेंट हुआ था का? और घर आते ही मैंने उसको बोला बाहर ही तुम खड़े हो जाओ, मैं पनिशमेंट दिया, एक घंटा बाहर ही खड़े कर दिया। और एक महीने के बाद फिर से वही कंप्लेंट आ गया वही बच्चे के साथ, फिर मैंने क्या किया एक थप्पड़ ऐसे किया है, तीसरी बार भी उसने उसी लड़के के साथ दो तीन महीने के बाद फिर से किया है, फिर टीचर का कॉल आ गया, आकाश का पेरेंट्स स्कूल आना है। सोचा ये फिर क्या किया, फिर से झगड़ा किया, हम लोग स्कूल गया तो क्या है, टीचर ने पूछा है आकाश की माँ आकाश को मतलब मारती है क्या। हाँ वो क्या होना, चुंसी ने नहीं बताया था, चुंसी क्या है ना तीसरी बार झगड़ा किया, टीचर ने दोनों बच्चे को पकड़ कर बोला अभी तुम्हारे घर में बता दूंगी, उसमें चुंसी डर गया क्योंकि उसको लगा नहीं तो घर से निकाल दूंगी नहीं तो थप्पड़ मिलेगा, वो रोना शुरू किया। फिर टीचर ने पूछा तुम क्या हो गया, तुम्हारा पेरेंट्स कुछ बोलेंगे, चुंसी ने बोला हाँ अम्मा थप्पड़ देंगे। मैंने पूछा आप किधर उसको दिया है, चेहरे पे, मैंने बोला, मैंने टीचर को बोला देखो मैंने ऐसा है, मैं माँ है, मुझे गुस्सा भी आ गया, मुझे गुस्सा और रोना भी आ गया, मैं बोला माँ है, मैं अगर पनिशमेंट नहीं दिया तो इसलिए दूसरे बच्चे के साथ झगड़ा किया वो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने पनिशमेंट की थ्रू दिया। टीचर बोला ठीक है आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसा करके फिर घर भेज दिया। घर आने के बाद है ना किसी और का कॉल, किसका था, कोई एक काउंसिल का था, काउंसिल का था। ओ मुझे इतना सच में गुस्सा आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है अपने बच्चे के ऊपर कोई हक ही नहीं है, ऐसा मुझे बहुत गुस्सा, मैंने फोन ही नहीं उठाया, संतोष बात किया बोला ना, अच्छे से बात किया। हाँ, अच्छे से बात किया, बहुत अच्छे से बात किया, वो जस्ट बोल रहे थे कि मतलब ऐसा मतलब कोई कहीं हो जाता है लेकिन ऐसा ध्यान रखना कि मतलब ऐसा करके,
तो कोई टेंशन मतलब नहीं, उन्होंने पूछा मेरा मेंटल मतलब कुछ घर पे सब स्टेबल है क्योंकि इधर बहुत सारा होता है ना, डिवोर्सी पेरेंट्स होते हैं ना, मतलब कोई घर में प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सही बात है, वायलेंस होता है ना, बहुत सारा होता है बच्चे के ऊपर, ये था स्टेप फादर या स्टेप मदर होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इसलिए वो लोग करते हैं। लेकिन उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरे बच्चे का मैं थप्पड़ दूं क्या, कुछ भी करोगी आप, मुझे ऐसा फील था मुझे उस दिन। लेकिन हाँ, उन्होंने अच्छे से बात किया, उन्होंने जो जेन्युइन कंसर्न होता है, क्योंकि देखो वो अपना काम कर रहे थे, होता है कि अगर रिपीटेडली होता है ना बच्चे का, दे आल्सो टॉक टू किड्स आफ्टर दैट आल्सो, बच्चे का फिर से बताया ऐसा नहीं है, बच्चे से पूछते हैं, वो बच्चा भी और उसको नोटिस भी करते हैं उसके बाद में भी बच्चे को कि इसका बिहेवियर कैसा है, या डरा हुआ तो नहीं है, या वगैरह, दे आल्सो काउंसिल। तो मतलब अगर रिपीटेडली आ रहा है तो ऑब्वियसली इट्स अ प्रॉब्लम है जी। फिर मेरा जितना भी दोस्त लोगों को मैंने पूछा, सबके साथ इंसिडेंट है, सबके साथ, सब मान लोगी वो प्रॉब्लम होता है, इसलिए कोई नया आ गया था ना, गलती से भी अपने बच्चे के ऊपर हाथ न मैं, उसके बाद कभी भी बहुत पहले की इंसिडेंट है, लेकिन मैं हाथ नहीं उठाती, मुझे डर लगता है जिनसे के ऊपर ऐसा उठाने का जरूरत पड़ता नहीं है कभी कभी, लेकिन हो जाता है तो क्या। मुझे बहुत गुस्सा आता है, दूसरे बच्चे के साथ झगड़ा किया तो ना मुझे बहुत गुस्सा आता है।